हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है सब्स्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अपूर्णांकना सर्वाड़ा ने बदबा की। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही कंसेप्चुअल है और ये बेस मान सकते हैं किसके लिए, पॉलिनोमियल एलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप जब क्लास 8 में आओगे तो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर आता है, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि लीनियर इक्वेशन है वो मैथमेटिक्स का बैकबोन है। तो लीनियर इक्वेशन, जब तक आप फ्रैक्शन के बारे में आपकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लीनियर इक्वेशन के सम्स प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, राइट? बहुत ही सिंपल है, आइए देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा फ्रैक्शन का फंडामेंटल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके पहले एक बार देख लीजिए, ताकि आपका प्रॉपर नॉलेज आ जाए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इसके बारे में आपकी प्रॉपर नॉलेज और पूरी कंसेप्ट बन जाएगा कि फ्रैक्शन होता क्या है और वो किस तरीके से काम कर सकता है। तो वो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अपूर्णांकना सर्वाड़ा ने बादबा की। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो नंबर हैं, 2/3 प्लस 3/3। ये क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे को एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, छेद बोलते हैं गुजराती में इसको। ठीक है, जो दोनों का छेद है यानी कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है। तो मैं इस वाले केस के अंदर इसको डायरेक्टली प्लस करूँगा, यानी यहाँ पे लाइन है तो मैं यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन करूँगा। यहाँ पे लाइन के नीचे 3 है, लाइन के नीचे 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे। और जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उनका डायरेक्टली प्लस करेंगे, यानी कैसा हो जाएगा, 2+3। अभी ये जो लाइन थी, फिर से हम लाइन रिपीट करेंगे। लाइन के नीचे 3 था, 3 रखेंगे, 2+3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो ऑलवेज़ आप उसको किस में चेंज कीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यानी ये कैसे हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, यानी हमारा मेन आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 1 2/3। यानी आपको हमेशा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, अगर आपको ये मैंने कैसे किया वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पहले वाली वीडियो में देख सकते हो कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो माइनस का है। ठीक है, 4/7 - 2/7। ठीक है, फिर से यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे और ऊपर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका माइनस करेंगे, यानी 4 - 2। ठीक है, अभी 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 7। ऑलरेडी ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनो से छोटा है, यानी हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। जब भी आप फ्रैक्शन की प्लस माइनस कर रहे हैं उस टाइम पे अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस टाइम पे आप एक स्माइल वाला रूल यूज़ कर सकते हैं। कैसे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अभी ये स्टेप 1, 2 और 3 कैसे काम करता है देखिए। पहले क्या कीजिए आप, स्टेप 1 यानी 2 4 ज़ा 8, स्टेप 2 3 3 ज़ा 9। ठीक है, एडिशन की साइन लगाई,
डिवाइड किया। स्टेप थ्री क्या था? टू थ्री ज़ा। स्टेप थ्री ये था हमारा, तो ये कैसे हो जाएगा? टू थ्री ज़ा सिक्स। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये? नाइन प्लस एट सेवनटीन बाय सिक्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसको ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इसीलिए मैं सिक्स टू जा ट्वेल्व ले रहा हूँ। ट्वेल्व के अंदर मैं फाइव ऐड करूँगा तो सेवनटीन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा है, बट बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? थ्री फाइव जा, मैंने आपको पहले ही समझाया था ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, छोटा सा मल्टीप्लाई होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस वन डिवाइड बाय थ्री। क्यों थ्री? बिकॉज यहाँ पे लाइन के नीचे क्या है? थ्री है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन डिवाइड बाय थ्री। अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको फिर से मिक्स नंबर में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आना चाहिए नहीं। यानी फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? थ्री का टेबल डिवाइज कर रहा हूँ। थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, बढ़ रहा है, एटीन एटीन इज़ ग्रेटर दैन सिक्सटीन। सो मैं क्या कर रहा हूँ? थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फिर वही का वही रूल, मिक्स नंबर है तो हम क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में छोटा सा मल्टीप्लाई होता है, और इसके और इसके बीच में क्या होता है? माइनस की साइन। यहाँ पे जो साइन रहेगी इन वही रिलेशन इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था इसलिए मैंने प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस है इसलिए वो माइनस आया। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में तो हमेशा मल्टीप्लाई ही रहेगा। यानी ये कैसा हो जाएगा? सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन माइनस वन डिवाइड बाय, यहाँ पे सेवन है इसलिए मैं सेवन लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी ट्वेंटी वन में से वन गया, ट्वेंटी वन में से वन को सबस्ट्रैक्ट किया, इक्कीस में से एक बात करूँ तो शू आवर से 20 माइनस 20 डिवाइड बाय 7। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपका आंसर इम्प्रॉपर में आ रहा है, इसको मिक्स में लेके जाइएगा। तो 7 टू ज़ा 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20। 7 टू ज़ा क्यों लिया? क्योंकि 7 थ्री ज़ा 21 जो 20 से बढ़ रहा है, इसलिए मैंने 7 टू ज़ा 14, 14 प्लस 6 20 हो जाएगा। यानी हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2 6 बाय 7, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने देखा प्लस और माइनस, अभी देखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। राइट, अपूर्णांक ना गुणाकार ने भागाकार, डिवीजन एंड मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे आपको डायरेक्ट करना है। जब भी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना आता है आपको रॉकेट रूल यूज़ करना है। रॉकेट रूल, रॉकेट हमेशा स्ट्रेट जाता है, डायरेक्ट जाता है। आपको डायरेक्ट रूल यूज़ करना है। कैसे? टू फोर ज़ा एट, एट हो जाएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी भी ये आंसर किस में है? प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसलिए मैं इसको मिक्स में चेंज कर रहा नहीं हूँ। यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा? एट बाय नाइन, दैट इज़ अवर माई फाइनल आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए फिर से मैंने बोला था यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैं रॉकेट रूल यूज़ करूँगा। कैसे हो जाएगा? ये डायरेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे छोटा सा माइनस दिया हुआ है, मगर उसको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितना हो जाएगा? सेवन वन जा सेवन, यहाँ पे सेवन के आगे कुछ भी नहीं, यानी क्या हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय सिक्स थ्री ज़ा ट्वेल्व। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस सेवन बाय ट्वेल्व। ये देखिए फिर से किस में है? प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसीलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं डिवीज़न पर जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम, सर ये सम के अंदर हमें समझ में नहीं आया। हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे 10 बाय 20 बीच में डिवीज़न की साइन है, तो ये बहुत ही सिंपल है। मगर एक बात हमेशा नोटिस करके रखिएगा,
कि फ्रैक्शन का कभी भी डिवीज़न होता नहीं है, यानी आपको क्या करना होगा, इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। और जब भी आप डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये नंबर आपस में कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। गुजराती मसू के पास है ना संख्यानी व्यस्त करवी, ठीक है। यानी ये जो नंबर है वो तो वैसा का वैसा रहने वाला है, यानी कितना हो जाएगा 10/20, और यहाँ पे ये नंबर चेंज हो गया, यानी 20 चला गया ऊपर और 10 आया नीचे, ठीक है। यानी कैसे हो जाएगा, अभी आपको पता है मल्टीप्लाई तो मैंने ऊपर ही सिखाया आपको कि मल्टीप्लाई के अंदर क्या करना है, रॉकेट रूल यूज़ करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रॉकेट रूल यूज़ कर सकते हो किस तरीके से, यानी हमारा क्वेश्चन कैसे हो गया अभी 10/20 × 20/10, रॉकेट रूल यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 10 × 20/20। देखो ऊपर नीचे नंबर सेम आ रहे हैं, तो हम आप चाहो तो उसको कट कर सकते हो, यानी ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर कितना बचा 1, और नीचे कितना बचा 1। कभी भी इसको सब कुछ कट हो जाता है तो ऐसे मत मानिए कि आंसर 0 आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी आंसर 0 नहीं आता है। तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर भी कट करने के बाद ऊपर क्या बचता है 1 बचता है, नीचे भी क्या बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 1/1, यानी आंसर क्या लिख सकते हो आप 1, ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कितना 18/10, और वही नंबर तो सेम टू सेम नीचे ड्रॉप डाउन होगा, यानी ऐसे हो जाएगा, राइट। अभी रॉकेट रूल क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैसे हो जाएगा 5 × 18/9 × 10। आप चाहो अगर आपको टेबल, आपके टेबल स्ट्रांग हैं, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। देखो 5 × 10 और 9 × 18, यानी ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 2, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी कट कर सकते हो, 2 × 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और आपको इसका जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप, मैं वीडियो बनाते रहूँगा, और आप इसको देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अलर्ट बटन पर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव अ गुड डे।